So good morning everyone. I welcome you all for the next part of our animal classification. So in this chapter, we already discussed what are the characters of our animals. So we know that approximately 7 million animal species on the earth surface. It is impossible to study each and every living organism in animals. So on the basis of their similarities and differentiation, animals are classified into the different categories and the different groups. So in our daily life, we are looking at different kinds of the living organism. Some are very small, some are very big, some are terrestrial, some are flying in the air, some are swimming in the water. This is the wonderful world of a living organism. So now in this session, we'll discuss about the some animals belonging to the phylum groups. पिछले क्लास में हमने कुछ एनिमल्स के बारे में डिस्कशन किया था. इस सेशन में जो फाइलम ग्रुप में आने वाले जो एनिमल्स हैं उनके बारे में हमें क्या डिस्कशन कर लेना है. सो लेट स्टार्ट टुडे सेशन. सो इन दिस सेशन वी डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम ग्रुप एनिमल्स. नाउ सी द फर्स्ट वन, एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम ग्रुप इज आर्थ्रोपोडा. सो आज के सेशन में हम फाइलम ग्रुप में आने वाले जो एनिमल्स है उनके कैरेक्टर के बारे में हमें क्या करना है डिस्कशन कर लेना है. नाउ सी द नेक्स्ट वन, एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम फैमिली इज फाइलम आर्थ्रोपोडा. नाउ सी व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा. दीज एनिमल्स हैव अ जॉइंट अपेंडेजेस. सो दीज एनिमल्स हैव अ जॉइंट अपेंडेजेस, हेंस दे आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोड्स. व्हाई दीज एनिमल्स इज कॉल्ड एज आर्थ्रोपोड्स, बिकॉज दीज एनिमल्स हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. उनके क्या बोलते जो ऑर्गन से वो क्या है जॉइंटेड रहते हो पंग, इसके लिए उसको क्या कहा जाता है बोलते आर्थ्रोपोड्स कहा जाता है. सो व्हाई दीज एनिमल्स इज कॉल्ड एज आर्थ्रोपोड्स, बिकॉज दीज एनिमल्स हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. नाउ सी नेक्स्ट वन, प्लैनेट अर्थ हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम दिस फाइलम. सो फ्रॉम दिस फाइलम आर्थ्रोपोडा हैज हाईएस्ट नंबर ऑन द अर्थ प्लैनेट. सो फाइलम ग्रुप से जो आर्थ्रोपोडा में आने वाले जो एनिमल्स है वो अर्थ के ऊपर क्या होते सबसे ज्यादा है. सो प्लैनेट अर्थ हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द दिस फाइलम. सो फ्रॉम दिस फाइलम ऑन द अर्थ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट. तो अर्थ के ऊपर इस फैमिली से आने वाले एनिमल्स की संख्या क्या हो तो ज्यादा है. हेंस दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम विद हाईली सक्सेसफुल एनिमल्स इन द एनिमल किंगडम. हेंस दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम विद हाईली सक्सेसफुल एनिमल्स इन द एनिमल किंगडम. सो इन एनिमल किंगडम दिस फाइलम ग्रुप इज सक्सेसफुल. दिस वन इज लार्जेस्ट फाइलम. ये अर्थ के ऊपर क्या बोलते एक लार्जेस्ट फाइलम है. दिस एनिमल्स आर मोस्टली आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स ranging from a deepest ocean to the highest mountains. Now see, so these animals are found in all types of habitat ranging from a deepest ocean to the highest mountain. So those animals are belonging to the phylum Arthropoda. So all of these animals habitats ranging from a deepest ocean to the highest mountains. So is phylum group mein aane wale jitne bhi animals rahenge wo bolo to har ek condition mein हर एक किस्म का वो नजर आ जाती है. सो बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स आर टिप्लोबॉस्टिक. नाउ सी दिस एनिमल्स हैविंग द टिप्लोबॉस्टिक. उनके बॉडी में भी क्या होता है थ्री जर्म लेयर्स रहते हैं. नाउ सी चिटोनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड देयर बॉडी. नाउ सी सो चिटोनस एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट अराउंड द बॉडी. जो इस फाइलम ग्रुप में एनिमल आ जाते हैं उस एनिमल का बॉडी टोटली किससे कवर रहता है तो चिटिनस एक्सोस्केलेटन से क्या रहता है कवर रहता है. दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल. दिस एनिमल्स आर ऑल्सो यूनिसेक्सुअल. द एग्जाम्पल इज अ क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीपेड, सेंटीपेड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनीबीज. दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा.
So understand. So phylum Arthropoda is the largest number of animals are available on the earth, and these animals are successful animals in the animal kingdom. Animal kingdom में ये animals क्या बताओ एक successfully. Understand? So these are the characters of Arthropoda. Now see. So these animals have jointed appendages. So these animals have jointed appendages. Jointed appendages. That's why these animals is called as arthropods. Now see. Have highest numbers of animals from this phylum. Now see, Earth has highest number of animals from this phylum. सो इस फाइलम से अर्थ के ऊपर क्या बोलो तो सबसे ज्यादा क्या है एनिमल्स. नाउ सी दिस एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स. दिस एनिमल्स आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स. Now see, body of these animals is diploblastic. So body of this animal is diploblastic. Now see, chitinous exoskeleton is present around their body. Exoskeleton is present around their body. Now see, these animals are unisexual. So on the example of this phylum group, crab, spider, butterfly, honeybees, honeybees. Understand? So these are the examples of phylum Arthropoda. So understand? So these are the characters of Arthropoda. These animals have jointed appendages. Earth has the highest number of animals from this phylum. These animals are found in all types of the habitats, from the deepest ocean to the highest mountain. Body of these animals is a diploblastic because these animals also having the three germ layers. Now see, chitinous exoskeleton is present around their body. उनके body में क्या बोलते हो? Chitinous exoskeleton है. इसीलिए वो क्या बोलते हो? हर एक हैबिटेट में क्या है प्रेजेंट रहते हैं. दिस एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड रहेगा वो भी उनमें क्या होता है यूनिसेक्सुअल है. एन एग्जांपल इज अ क्रैब, स्पाइडर, बटरफ्लाई, हनीबीज, बीज. सो दिस आर द कैरेक्टर्स ऑफ अ फाइलम आर्थ्रोपोड. नाउ सी द नेक्स्ट वन कैरेक्टर ऑफ अ सो नेक्स्ट वन एनिमल्स फ्रॉम अ फाइलम मोलस्का. अब इसके बाद हम कैरेक्टर्स पढ़ेंगे. सो व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ मोलुस्का. फाइलम मोलुस्का फाइलम मोलुस्का नाउ सी व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम मोलुस्का. सो फाइलम मोलुस्का ग्रुप में जो एनिमल्स आते हैं
उनके क्या क्या कैरेक्टर्स है इसके बारे में अब हमें जान लेना है। बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज अ सॉफ्ट एंड स्लिमी। उनका बॉडी बहुत ही क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा और क्या रहेगा, स्लिमी रहेगा। अंडरस्टैंड? सो बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज अ सॉफ्ट एंड स्लिमी। सो द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम मोलस्का। सो बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स, बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स, ऑफ दिस एनिमल्स इज सॉफ्ट एंड स्लिमी। उनका बॉडी बहुत ही क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा और स्लिमी रहेगा। हेंस दे आर रेफर्ड एज मोलुस्क। हेंस दिस एनिमल्स आर कॉल्ड एज द मोलुस्का। उनको क्यों मोलुस्क कहा जाता है, बिकॉज द बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स इज अ सॉफ्ट एंड स्लिमी, दैट्स व्हाई दिस एनिमल्स आर कॉल्ड एज अ मोलुस्क। उनको क्या कहा जाता है बोलो तो, मोलुस्क कहा जाता है। मोलुस्क मीन्स मृदय, इसका हम बोलते हैं मोलुस्क मीन्स बहुत ही सॉफ्ट है। सो दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, ध्यान में रखें। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। सो इनकी आबादी एनिमल किंगडम में क्या मतलब दूसरे पादान के ऊपर है। अंडरस्टैंड? जो फाइलम मोलस्का में जितने भी एनिमल आते हैं उनकी जो आबादी है एनिमल किंगडम में वो क्या बोलते हो, दो नंबर के क्या बोलते हो, पैदान के ऊपर है। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। नाउ सी दिस एनिमल्स आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ये एनिमल क्या रहेंगे, या तो एक्वेटिक रहेंगे या तो टेरेस्ट्रियल रहेंगे। अंडरस्टैंड? दोज एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम मोलस्का आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। These animals are aquatic or terrestrial. Aquatic or terrestrial. Understand? Now see, body of this animal is triploblastic. Dhyan mein rakho. So body of this animal is a triploblastic. So body of these animal, so body of these animals is triploblastic. So animals belonging to the phylum Mollusca also have the three germinal layers, that's why the body of animals is a triploblastic. Now see, now these animals are unisexual. These animals are unisexual. ये भी animals क्या बोलते हो, unisexual ही है। Now see, another example is a snail. तुम इसका example दे सकते हैं। Snail है, बिवाले, octopus, etc. So these are the example of animals belonging to the phylum Mollusca. Now see, so body of this animal is a soft and slimy. That's why these animals are called as a mollusk. उनको क्या कहा जाता है तो मोलुस्क कहा जाता है। It is called as the mollusk. Now see, animal belongs to the phylum Mollusca is the second largest phylum in the animal kingdom. जो animals phylum Mollusca के group में आ जाते हैं वो animal kingdom में क्या बोलते second number के ऊपर है। Now see, animals are aquatic or the terrestrial. Mollusca, phylum Mollusca में जितनी भी animals रहेंगे वो क्या रहेंगे, aquatic और terrestrial. Body of this animal is a triploblastic. Now see, so body of animal is a triploblastic. These animals are unisexual. उनका sexual mode रहेगा वो क्या रहेगा, unisexual रहेगा. Example is a snail, बिवाले, octopus, etc. Understand? These are the characters of a phylum Mollusca. Understand? Now see, so next one is a Chondromata. Next one आप पढ़ेंगे Chondromata. The next one phylum is a Chondromata. Next one character is a Chondromata. So all of you understand what are the characters of a phylum
अपन जो हमने पढ़ा था फाइलम मोलस्का के बारे में और फाइलम अर्थ्रोपोडा, नाउ आर गोइंग टू सी द व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ किंडोरमेटा। अब किंडोरमेटा फाइलम में आने वाले एनिमल्स के क्या क्या फंक्शन रहेंगे, सॉरी क्या क्या कैरेक्टर रहेंगे, इसके बारे में हमें जानना है। हसी केंडोर मेठा। नेक्स्ट वन, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स ऑफ एनिमल स्पीसीज। जो एनिमल स्पीसीज इसमें हमारे इसमें आ जाते हैं, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल स्पीसीज एंड द डिफरेंट नेम्स बिकॉज नियर बाय अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन ऑफ एनिमल स्पीसीज अवेलेबल ऑन द अर्थ सर्फेस। तो अर्थ के ऊपर लगभग क्या बोलो तो 7 मिलियन एनिमल स्पीसीज है। उनका नाम तो क्या रहेगा, अलग अलग ही उनका क्या हो तो नाम रहेगा। नाउ सो व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम किंडोरमेटा। सो किंडोरमेटा फाइलम में आने वाले एनिमल्स के क्या क्या कैरेक्टर रहेंगे। नाउ सी द फर्स्ट वन कैरेक्टर इज कैल्सियम स्पेन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स। नाउ सी सो कैल्सियरस स्पाइन्स आर present on the body। इस फैमिली में आने वाले जो एनिमल्स है उनके बॉडी के ऊपर क्या बोलो तो कैल्सियम स्पाइन्स क्या है, प्रेजेंट रहते हैं ऑन द बॉडी। सो कैल्सियस स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, हेंस दे आर कॉल्ड एज द किंडोरमस। इनको क्यों किंडोरमस कहा जाता है, क्योंकि उनके बॉडी के ऊपर क्या बोलते स्पाइन्स क्या है, प्रेजेंट रहते हैं। फाइव किंडोरमस एनिमल्स इज कॉल्ड एज द किंडोरमस बिकॉज कैल्सियस स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। उनके बॉडी के ऊपर क्या हो तो कैल्सियस के स्पाइन्स क्या है, प्रेजेंट रहते हैं। दिस एनिमल्स आर फाउंड इन ओशियन। नाउ सी सो एनिमल्स आर फाउंड इन ओशियन, ये एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं बोले तो मोस्टली ओशियन में रहते हैं। एनिमल्स आर found in ocean. Now see, so these animals are mostly found in oceans. Their body is diploblastic. Now see, so their body is diploblastic. उनकी भी body क्या रहेगी बोलो तो diploblastic रहेगी, and it is radically symmetrical in adult stage. Now see, it is a radically symmetrical in a adult, however this show bilateral symmetry in the larval stage. Now see, so animals belonging to the phylum Kindormeta, jo Kindormeta mein animals mein aa jate hain, unka jo body ka jo a hai wo kya bolte ho adult mein kya rahenge, radical symmetrical rahenge, aur larval stage mein kya rahenge, wo lateral symmetry mein rahenge. They perform locomotion with the help of 2 feet. Now see, they perform locomotion with the help of 2 feet. 2 feet के माध्यम से वो अपना क्या बोलो तो locations क्या है चेंज करते रहते हैं for searching food. Understand? So each and every animal species on the earth change their location from one place to the another place for searching food. So we know that five need foods. I mean, first, kyun zarurat padti hai? Each and every activity of every living organism is mainly depending upon the food. Understand? So har ek jo earth ke upar jo living organism hai unka jo life ka activity hai, jo performance hai, उनका फंक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, इट्स मेनली डिपेंडिंग अपॉन द फूड बिकॉज फूड प्रोवाइड्स द एनर्जी एंड एवरी वर्क इज डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी। आई एम टॉकिंग, यू आर लिसनिंग, यू आर प्लेइंग, यू आर डूइंग समथिंग, इट्स मेनली डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी। लिसन, सो ईच एंड एवरी एनिमल स्पीसीज ऑन अर्थ चेंज देयर लोकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑर्गन डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। हर एक एनिमल्स को अपना लोकेशन चेंज करने के लिए एक अलग अलग क्या बोलो तो बॉडी पार्ट दिए है, उसके माध्यम से वो अपना क्या बोलो तो पोजीशंस क्या है चेंज करते रहते हैं।
Understand? So animals belonging to the phylum Chondromata with the help of their tube feet. So tube feet के माध्यम से वो अपना क्या बोलते locations क्या है change करते रहते हैं. Now see, their skeleton made of cancer spines. Now see, they have skeleton. Have a skeleton made up of calcareous spines. Now see, the skeleton of phylum Chondromata are made with the help of calcium spines. जिनका जो skeleton बने से रहता है वो किससे बने से रहता है बोलते क्या है बने से रहता है. Animals have a good ability of regeneration. Now see, so these animals having the good ability of regeneration. क्या बोलते regeneration करने के लिए उनके पास क्या है गुड क्या है एबिलिटी क्या वो गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन हैव गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन. और लास्ट वन, दिस एनिमल्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल. सो दिस एनिमल्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल. Animals are mostly unisexual. Now see, sort of the example of phylum Chondromata. Now see, example see, starfish, beetle star, sea ursine. These are the example of phylum Chondromata. Understand? So these are the characteristics of phylum Chondromata. So all of you understand? What are the characteristics of Chondromata? Calcium spines are present on the body. Unke body ke upar kya rahega? Calcium ka spine rahega. Animals are found in ocean. Ye animals hain mostly kahan par milte hain to? Ocean mein mil jaate hain. Their bodies are diploblastic. Unki body kya rahegi? Three-dimensional layer se bani rahegi. Perform locomotion with the help of tube feet. वो अपना क्या है जगह चेंज करेंगे किसके माध्यम से पिफिड के माध्यम से. हैव अ स्केलेटन मेड विद हेल्प ऑफ कैल्शियम स्पाइंस. उनका जो स्केलेटन है वो किससे बने से वो तो कैल्शियम का है स्पाइन से बने से है. हैव अ गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन. उनके पास क्या तो रीजनरेट करने के लिए क्या एक अच्छी क्या है एबिलिटी है. एनिमल्स आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल. एनिमल्स क्या रहेंगे वो तो यूनिसेक्सुअल रहेंगे. एग्जाम्पल स्टार फिश बीटल स्टार एंड द सी अर्चिन. अंडरस्टैंड? These are the characters of Chondromata. Now see, the next one is phylum Hemichondrata. Last character padenge. Hemichondrata. So what are the characters of Hemichondrata? Belongs to the phylum group. Phylum Hemichondrata. Now let's see now what are the characters of a phylum Hemichondrata. Body of this animal is divided into three parts. Those animals belonging to the phylum Hemichondrata, the body of such animals is divided into the three parts. One is a proboscis, collar and the trunk. Then mereki unka body kya bolte three parts mein kya divide hota hai. Ek kya bolte proboscis, collar and the trunk. So body of this animal body of these animals is divided into three parts as proboscis, collar and trunk.
का जो बॉडी है तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, वन इज प्रोबोस्किस, कोलर एंड द ट्रायंगल। अंडरस्टैंड? नाउ सी, नोटो कार्ड इज प्रेजेंट इन द प्रोबोस्किस रीजन ओनली। नाउ सी, सो व्हाई दिस एनिमल इज कॉल्ड द फाइलम हेमिकोरेटा। इन एनिमल्स को हेमिकोरेटा क्यों कहा जाता है? बिकॉज द नोटो कार्ड इज प्रेजेंट इन द प्रोबोस्किस रीजन ओनली, हेंस दे आर कॉल्ड एज द हेमिकोरेटा। द नोटो कार्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द प्रोबोस्किस, दैट्स व्हाई दिस एनिमल्स इज कॉल्ड एज द हेमिकोरेटा। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एनिमल्स, इनका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। Now, this is the structure. This is the proboscis. ये क्या रहेगा अपना proboscis, ये है उसका कोलार, and now this one is a trunk. ये उसका क्या रहेगा? ट्रंक रहेगा। Understand? Now see, notochord is present only in the proboscis. That's why this animal is called the homochordata. तो उनको homochordata क्यों कहा जाता है? Because द नोटो कार्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द प्रोबोस्किस, जो उनका जो अपर का पार्ट रहता है उसमें ही नोटो कार्ड प्रेजेंट रहता है, रेमिनिंग पार्ट में क्या तो नोटो कार्ड प्रेजेंट नहीं रहता, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? वो तो हेमिकोरेटा कहा जाता है। सो व्हाई दिस एनिमल्स इज कॉल्ड एज द हेमिकोरेटा, बिकॉज द नोटो कार्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द प्रोबोस्किस, उनके प्रोबोस्किस में क्या हो तो नोटो कार्ड प्रेजेंट रहता है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? हेमिकोरेटा कहा जाता है। Now see, next one, notochord is present in proboscis region only. Notochord is present in proboscis only. Now see the next one, character. These animals are also called as acorn worms. Now see, these animals are Animals are also called as acorn worms. उनको क्या बोलते हैं? Acorn worms क्या है? कहा जाता है। Now see, these animals are marine animals, live in the burrows in sand. Now see, so these are marine animals. These are marine animals live in burrows in sand. So these are marine animals, and these animals are lives in the burrows in a sand. They have many pharyngeal gill slits. Now see, they have many pharyngeal gill slits. So already we know that what is the meaning of pharyngeal gill slits. Understand? This is a filter. ये क्या होता है? Filter की तरह work करता है. Separate the food and the water. So pharyngeal gill slits. So many pharyngeal gill slits are present. Now they are unisexual, some may be hermaphrodites. Now see, they are unisexual, or some may be hermaphrodite. Hermaphrodite. Now see, so these animals also having the both male and the female reproductive organ. That's why these animals are also called as a hermaphrodite. Now the example is a Balanogalus and the Staphylococcus. Example उनके जो रहेंगे Balanogalus and
and Sacoglossus. Listen, so these are the characters of a phylum Hermicordata. Understand? These are the characters of a phylum Hermicordata. So, let's stop here. So, in this session, already we discussed what are the characters of Arthropoda, Mollusca, Chondromata, and the Hemichordata. The remaining characters of remaining animals will be discussed on the next session. Okay, please stop here.